नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक सौरभ पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसी के ऑटो टेम्परेचर चेंजिंग वाली प्रॉब्लम के बारे में। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपके एसी का टेम्परेचर अपने आप ही चेंज हो जाता है, जिसके बारे में ज़्यादातर पर्सनस को नहीं पता चलता कि ये क्यों हो रहा है और इसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना के तरीके शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। लेकिन हमारी आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी व्यूअर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही साथ इस बेल नोटिफिकेशन के आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दें, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके वो बिना किसी देरी के। तो चलिए बिना के तरीके शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास एक एसी का रिमोट है जिसमें टेम्परेचर मैंने 16 डिग्री तक कर रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम काफ़ी पर्सन्स को क्या आ रही है कि उन्होंने 16 डिग्री टेम्परेचर तो जहाँ पे कर दिया होता है, लेकिन 10 या 15 मिनट बाद उनके एसी का टेम्परेचर अपने आप ही चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने 16 डिग्री कर रखा है तो ये मे बी 24 या 25 डिग्री तक अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये कोई बग वगैरह नहीं है या फिर आपके एसी में कोई फॉल्ट नहीं है जिसके कारण आपके एसी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है। दोस्तों आपके एसी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली चेंज होने का मुख्य कारण एक फंक्शन है जो कि सभी एसी कंपनियां अपने एसी में देती हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट तक वेट करने के बाद हमारे एसी का टेम्परेचर अपने आप 16 से 24 डिग्री पे हो गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये कैसे होता है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे अभी हमारा रिमोट देख सकते हैं जिस पे 24 डिग्री टेम्परेचर है। दोस्तों दरअसल आपके टेम्परेचर के चेंज होने का मुख्य कारण होता है ये पावरफुल बटन। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम के लिए जस्ट आपको सबसे पहले वो टेम्परेचर सेट कर लेना है जिसको आप सेट रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको पावरफुल बटन पे क्लिक कर देना है और दोबारा उसी टेम्परेचर को वहाँ पे सेट कर देना है जिसे कि आप सेट करना चाहते हैं। तो इसके बाद अगर आपका टेम्परेचर चेंज भी होगा तो दोबारा से ही 24 डिग्री पे आ जाएगा जहाँ पे हमने पहले सेट किया था, जिसके बाद आपके जो ऑटो टेम्परेचर चेंज होने की प्रॉब्लम है वो वहाँ पर नहीं आएगी। तो दोस्तों मेरी आज की वीडियो में इतना, आशा करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।